हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। प्रार्थना की खुशबू, साइकिल प्योर अगरबत्ती। रामायण नाम का महाकाव्य जो हम आपको सुनाने जा रहे हैं, वह हमारे गुरुदेव भगवान श्री वाल्मीकि ने आपके संपूर्ण जीवन चरित्र पर आधारित करके लिखा है। उन्होंने ही इसे संगीतबद्ध भी किया है। अतः आज तक की कथा हम आपको प्रतिदिन थोड़ी थोड़ी करके सुनाते जाएंगे। अब हमारी प्रार्थना है कि आप दोनों आसन ग्रहण करें और अपने गुरु की रची हुई कथा से इस सभा के श्रोताओं को अनुग्रहित करें। महाराज, रामायण नाम का महाकाव्य जो हम आपको सुनाने जा रहे हैं, वह हमारे गुरुदेव भगवान श्री वाल्मीकि ने परम पूज्य देवर्षि नारद जी और परम पिता ब्रह्मा जी के आदेश से आपके संपूर्ण जीवन चरित्र पर आधारित करके लिखा है। उन्होंने ही इसे संगीतबद्ध भी किया है। महाराज, इस महाकाव्य में जो कुछ हो चुका है और आगे जो कुछ भी होने वाला है, वह आपका सारा जीवन वृत्तांत हमारे त्रिकालदर्शी गुरुदेव ने पहले से ही देख कर लिख दिया है। परंतु हमें तो आज तक की ही कथा का ज्ञान है, भविष्य की कथा तो उन्होंने हमें भी नहीं पढ़ाई। अतः आज तक की कथा हम आपको प्रतिदिन थोड़ी थोड़ी करके सुनाते जाएंगे। अब यदि आपकी और समस्त गुरुजनों की आज्ञा हो तो हम कथा सुनाना आरंभ कर दें। यदि गुरुदेव की आज्ञा हो। अवश्य, हमारा आशीर्वाद है। महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित ये कथा सुनने और सुनाने वाले दोनों के लिए कल्याणकारी हो।
गमन, सीता हरण, हनुमत मिलन,
लंका दहन, रावण मरण, अयोध्या पुनरागमन। सविस्तार सब कथा सुनाई, राजा राम भय राजा की पत्नी है, वही महारानी सीता वनवास के दुखों में अपने दिन कैसे काटती है। अपने कुल के गौरव और स्वाभिमान की रक्षा करते हुए किसी से सहायता मांगे बिना कैसे अपना काम वो स्वयं करती है। स्वयं वन से लकड़ी काटती है, स्वयं अपना धान कुटती है, स्वयं अपने चक्के पीसती है और अपनी संतान को स्वावलंबी बनने की शिक्षा कैसे देती है। अब उसकी करुण झांकी देखिए। जनक दुलारी कुल वधु दशरथ जी की राज रानी होके दिन वन में बिताती है। रहती थी घिरी जिसे दास दासी आठो यम, दासी बनी अपनी उदासी को छुपाती है। सब विधि दोष ही ना जीना दुख
दोनों अपने पिता के श्री चरणों में प्रणाम करते हैं। और उस दिन भूल से यदि कोई अवज्ञा हो गई हो तो उसके लिए हम महाराज से क्षमा मांगते हैं।